नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग हमारे नए मंगवाए हुए माइक्रोफोन की। ये बोया की तरफ से आते हैं माइक्रोफोन, तो ये कॉलर माइक्रोफोन भी कह सकते हैं या इनको क्लिप माइक्रोफोन भी कह सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये माइक्रोफोन कैसे हैं, इस पर रिव्यू भी करेंगे और साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी हम लोग करेंगे। तो आइए दोस्तों, कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। हमने इसको अमेजन के थ्रू मंगवाया है, तो ये आ गया हमारा बॉक्स। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें वियर टियर है, बॉक्स बहुत प्रॉपरली नहीं आया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स के बाहर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो क्या क्या इन्होंने लिखा है, तो ये यहाँ पर लिखा है लेवेलियर माइक है, जिसको हम लोग कॉलर माइक या क्लिप माइक भी बोलते हैं। माइक्रोफोन और माइक्रोफोन क्रेवेट ये यहाँ पर मेंशन है और आगे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इसका इमेज बनी हुई है माइक्रोफोन की। मॉडल नंबर लिखा है BY-M1। साइड में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं मेंशन। तो जैसे हम लोग साइड में देखें तो यहाँ पर लिखा है फॉर स्मार्टफोन्स कैम रिकॉर्डर DSLR ऑडियो रिकॉर्डर PC एक्सेट्रा। तो ये हम इसको इन सब जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मॉडल नंबर और बोया की ब्रांडिंग हो रखी है। ये बैक साइड में अगर हम देखें तो यहां पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, तो ये फीचर्स मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये क्लिप ऑन माइक है फॉर स्मार्टफोन DSLR कैम रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर PC एटसेट्रा। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, हाई क्वालिटी कंडेंसर इसमें यूज हुआ है। इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसको बता रहे हैं आइडियल है। लो हैंडलिंग नॉइस, तो नॉइस कैंसिलेशन में भी ये हेल्प करेगा। इसमें लिखा है इसमें बॉक्स के अंदर क्लिप आती है, लेपल क्लिप, LR44 बैटरी है, फोम विंड स्क्रीन मिलेगी और हमें 1/4 इंच का अडोप्टर मिलेगा इसके अंदर। तो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं हम लोग। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो मैं ये बॉक्स में निकालता हूँ, तो ये एक पाउच है, तो सारी चीज़ें इस पाउच के अंदर आती हैं। तो ये रहा हमारा माइक्रोफोन, इसका वायर काफ़ी लंबा है, करीबन 20 फिट का ये वायर मिल जाता है हमको। ये क्वालिटी सर्टिफिकेट टैग भी डाला हुआ है इन्होंने। तो यहाँ हमें पैकेट में कुछ और आइटम्स मिलते हैं जो एक पॉलिथीन में पैक्ड हैं, तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक फोम कवर मिलता है जो हम लोग माइक्रोफोन के ऊपर अटैच करेंगे। तो एक और बड़ा जैक मिलता है जो 1:4 का जैक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक इन्होंने बैटरी दी हुई है और साथ ही साथ ये क्लिप भी इसमें मिलती है। इस क्लिप को हम लोग अपने माइक्रोफोन के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये क्लिप है। तो हमें जो आइटम्स अनबॉक्सिंग के बाद मिले वो सबसे पहले ये पाउच है, और पाउच के साथ हमें ये माइक्रोफोन जो हमारा मेन माइक्रोफोन है। फिर हमें मिलता है यहाँ पर ये क्लिप हो गई, और ये एक बड़ा जैक और एक 1.5 mm जैक जो माइक्रोफोन के साथ ऑलरेडी आता है, इनबिल्ट आता है, और एक ये हमारे फोम का कवर मिल गया जो हम अपने माइक्रोफोन के ऊपर लगा सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी हम लोग वॉइस टेस्टिंग कर लेते हैं और इसके और फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब जो इसके बाद वाली वीडियो होगी वो मैं इस माइक के थ्रू जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि इस माइक्रोफोन के थ्रू हमारी वॉइस में कितनी शार्पनेस और कितनी क्लैरिटी है। और ये जो वॉइस है ये मैंने नॉर्मल अपने पोको फोन के से रिकॉर्ड की हुई है, तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा एक फोन से रिकॉर्डेड वॉइस और एक माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड वॉइस में क्या डिफरेंस हमें मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने ये माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लिया है, तो अभी जो आपको ऑडियो मिल रही है वो इस माइक्रोफोन के थ्रू मिल रही है। और जो प्रीवियसली मैंने जो अनबॉक्सिंग के टाइम पर रिकॉर्डिंग की थी वो मैंने फ़ोन के माइक्रोफोन से की थी। तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि जो ऑडियो क्वालिटी आपको इस माइक्रोफोन से मिल रही है वो कैसी है और आपको कैसी लग रही है। मैं विदाउट एनी एडिट इस ऑडियो क्वालिटी को वीडियो में डालूंगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अनबॉक्सिंग के टाइम पर कुछ चीज़ें और मैं जो मिस कर गया था वो ये थी कि आपको उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, एक वारंटी कार्ड मिलता है बॉक्स के अंदर, और साथ ही साथ आपको बोया के ये स्टिकर्स, दो स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बॉक्स में और ये तीन चीज़ें आती हैं अलॉन्ग विद द माइक्रोफोन एंड अदर थिंग जो मैंने आपको शो की थी। तो अब हम देख लेते हैं इसके एडॉप्टर में हमें क्या सेटिंग्स करनी होती। तो जो हमें सेल मिला था उस सेल को हमें ये एडॉप्टर को ओपन कर लेंगे और इस एडॉप्टर के अंदर डालना होता है इस सेल को। तो यहाँ पर हम लोग सेल को इंसर्ट कर लेंगे, बिना सेल के ये एडॉप्टर वर्क नहीं करेगा, माइक्रोफोन वर्क नहीं करेगा। और हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, कैमरा का और स्मार्टफोन का। ऊपर की तरफ कैमरा का है तो एक बटन है उसके बगल में, तो उस बटन को हमें जब कैमरा पे रिकॉर्डिंग करनी है तो ऊपर करना होगा और स्मार्टफोन के केस में स्मार्टफोन की तरफ करना होगा उस बटन को। तो ये था ओवरऑल मेरा एक ओवरव्यू बोया माइक्रोफोन का। आई होप आपको ये ओवरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं पर्सनली आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये बोया का जो मैंने अनबॉक्सिंग की है, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की है, तो वो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।